हैं रिस्क खुदा देता है। अब ये इतने बड़े पत्थर हैं और पत्थर के ऊपर ये देखें खूबसूरत जो ना वो पौधे लगे हुए हैं, खलाई कहते हैं इसको। और इसके अलावा इधर भी देख सकते हैं ये बिल्कुल पत्थर है नीचे, ये देख सकते हैं ये सारा पूरा पत्थर है, ये पत्थर है ऊपर से गिरते हैं ये इस तरह के पत्थर हैं, ये पत्थर है इस तरह। तो ये ऊपर से गिरा है पत्थर, उसके ऊपर ये थी। और ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज यहाँ पे मिट्टी का, आप अगर देखें तो कुछ चीज़ नज़र नहीं आएगी आपको। तो अल्लाह ताला जिसे रिज़्क देता है तो जगह का नहीं देखता, रिस्क पहुँचाता है, मिलता है। तो अगर इसका मैं व्यू कराऊँ आपको चारों तरफ से भी, तो आप देख सकेंगे कि कहीं जो ना ये पूरा पत्थर है, थोड़ा सा खौफनाक तरीके का पत्थर है। और अभी मैं आपको व्यू करा देता हूँ, ये देखें जी इतना बड़ा पत्थर है ये। और इस पत्थर में ये देखें, मैं तो बहुत नीचे हूँ और ये ऊपर से गिरे अल्लाह ना करे। ये देखें एक इसके साथ ये है, तो काफ़ी बड़ा है, खौफनाक पत्थर है जी। यहाँ पे मैं जब जा रहा हूँ साथ से होके, तो मुझे जो है ना वो ये खौफनाक नज़र आ रहा है। ये छोटे पत्थर हैं और इस बड़े पत्थर के ऊपर जो है ना वो इतना बड़ा, वैसे तो यहाँ पे हर चीज़ पत्थर के ऊपर ही है, ये देख सकते हैं जी। मैं अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसके अलावा यहाँ पे बेशुमार मिसाल हैं पत्थर के ऊपर दरख्त, ये पत्थर के बीच में, ये जी ऊपर वाली साइड देख सकते हैं आप, ये टूटा हुआ है ज़रूर लेकिन पत्थर के ऊपर जो ना वो ये दरख्त है। अच्छा, दूसरा जो दरख्त था वो भी इधर साथ ही है, वो दरख्त आप ये देख सकते हैं, वैसे ये भी इसके बीच में ही है, ये दरख्त देख सकते हैं आप, ये दोनों दरख्त इसके ऊपर हैं। और अल्लाह ताला की यहाँ में मुश्किल है, चलना मुश्किल है थोड़े से, तो ये साथ से टूटे हैं इधर से, ये भी देखें ये भी पत्थर के ऊपर है। तो अल्लाह ताला ये देखें एक और, ये बिल्कुल पत्थर है जी, बड़े पत्थर हैं और हैवी किस्म के पत्थर हैं। और हैवी किस्म के पत्थर में पत्थर ये इतना मज़बूत नहीं होता, टूट जाता है कुदरती तौर पे, ये जो ना वो कह सकते हैं कि सीमेंट से बना हुआ है जिसमें कंक्रीट भरी होती है, इस तरह का पत्थर है ये देख सकते हैं इस तरह का। तो मेरा विज़िट अगर यहाँ पे आज हुआ तो मैंने कहा चलो जी आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देते हैं, ये देखें बिल्कुल बड़े बड़े दरख्त हैं। और मैं कोशिश करता हूँ इसके ऊपर चढ़ने की, ये जी ये मैं ऊपर चढ़ गया जी। और ये आप देख सकते हैं ये दरख्त है और ये बहुत बड़ा पत्थर है, ऊपर से देख सकते हैं आप। यहाँ पे मुझे डर लग रहा है कि मैं गिर ही गई ना जाऊँ, ये देखिए जी। तो रिस्क से कभी भी ना डरें, कहीं भी मिल कहीं भी हों आप मेहनत कीजिएगा और ज़िंदा रहने की कोशिश कीजिएगा। क्या लोग जो ना वो आजकल जो ना वो परेशान हो के ख़ुदकशी कर लेते हैं, तो रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने लिख रखा है, आपके जो परवरदिगार ने जो लिख रखा है आपके, वो आपको मिल के रहेगा। तो रिस्क से आपने घबराना नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत ये सरसब्ज़ और शादाब पौधे हैं ऊपर। तो इस इन दो जो ना वो दरख्तों का पत्तों इनके ऊपर दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं अभी थका हूँ थोड़ा सा, रिस्क से आपने परेशान नहीं होना, ये एक बेहतरीन मिसाल है। इसके अलावा ये मिसाल है आपके पास, ये देखें खूबसूरत जो ना वो इसके ऊपर जो ना वो कई मखलूकें जो ना वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे खटमल भी मौजूद हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे एक ख़तरनाक किस्म का सांप भी हुआ करता है, तो मुझे डर भी लग रहा है, ढाई घड़िया सांप
उड़ारू सांप हमारी पंजाबी में कहते हैं। तो ये ऐसे सांप हैं कि अगर काट लें एक दफ़ा बंदे को तो बंदे की जो ना वो कहते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर बंदा वफात पा जाता है। तो मुझे डर भी लग रहा है, लेकिन ये रिस्क लेते हुए मैंने आपको ये दिखाया है। तो इससे ज़रूर सबक सीखें, अगर आप परेशान हैं आपकी इनकम नहीं आ रही तो ज़िंदा रहिए, अल्लाह ताला आपका जो ना वसीला कोई ना कोई बना देगा, वसीला खोल देगा, कोई ना कोई कहीं से कहीं से आपको रिस्क मिलता रहेगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे। फिर मैंने कहा।